डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज? स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज में क्या डिफरेंस है? ओके, सो फर्स्ट वी हैव द हियर वी हैव स्टैटिक वेब पेज. ओके, स्टैटिक वेब पेजेस आर जनरली सिंपल एचटीएमएल रिटन पेजेस व्हिच सर्व्स एज अ रिस्पांस फ्रॉम सर्वर टू द ब्राउजर इन व्हिच ऑल द इंफॉर्मेशन एंड डेटा इज स्टैटिक इन नेचर एंड इट डज नॉट गेट चेंज अंटिल समवन चेंज इट मैन्युअली. ओके, तो स्टेटिक वेब पेजेस कौन से वेब पेजेस हैं जिनको हम सिंपल एचटीएमएल लैंग्वेज में लिखते हैं? ओके, और वो सिंपली क्या होते हैं, किस लिए उनको बनाया जाता है? सो डैट इफ यू वॉन्ट टू एक्सेस एन इंफॉर्मेशन, अगर आप कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं सर्वर से, ओके, तो वो इंफॉर्मेशन स्टैटिक वेब पेज के फॉर्म में आपको सर्वर प्रोवाइड कर सके. ठीक है, क्योंकि उसमें कोई इंटरेक्टिविटी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सर्वर क्या करते हैं, वहां पे स्टैटिक वेब पेजेस का यूज करता है सर्वर, राइट? ओके, तो वो जो स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं वो कैसे सर्व करते हैं, एज अ रिस्पॉन्स, ठीक है, फ्रॉम सर्वर टू द ब्राउजर. ओके, इन विच ऑल द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन आर स्टेटिक नेचर, जिसमें सारा का सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या है, स्टेटिक है, फिक्स है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता जब तक कि हम उसको खुद मैनुअली, जब तक कि सर्वर उसको खुद मैनुअली चेंज ना करें. ठीक है, तो सिंपली क्या है, स्टेटिक वेब पेजेस वो वेब पेजेस है जिसका डेटा चेंज नहीं होता है. ऑन द अदर हैंड डायनेमिक वेब पेजेस आर द पेजेस रिटन इन सम मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस सच एज ASP.NET. ओके, इन विच डेटा इज रेंडर्ड आफ्टर सम इंटरप्रिटेशन एंड कैपेसिटी टू प्रोड्यूस डिस्टिंक्टिव कंटेंट फॉर डिफरेंट कॉज. डायनेमिक वेब पेजेस वो वेब पेजेस हैं जिनको हम कुछ मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखते हैं, जिनको कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में बनाया जाता है, लाइक ASP.NET एक्टिव सर्वर पेज. ओके, दिस इज द फुल फॉर्म फॉर द ASP. ठीक है, इन विच डेटा इज रेंडर्ड, रेंडर्ड मीन्स डिलीवर्ड. डेटा कब डिलीवर किया जाता है, जब पहले क्या किया जाता है, जो भी कमांड्स आई है उनका इंटरप्रिटेशन किया जाता है. इंटरप्रिटेशन मीन्स उनको उनको मतलब जैसे कोई भी कमांड आई है, ठीक है, इस टाइप का डेटा यूजर को चाहिए, तो उसको पहले इंटरप्रेट किया जाता है और अकॉर्डिंगली वो डेटा वेब पेज पे डिस्प्ले किया जाता है. जैसे मैंने आपको बताया था कि डायनेमिक वेब पेजेस में स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज किया जाता है, दीज आर द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्ट क्या होती है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज क्या होती है, ये स्क्रिप्ट्स को कंटेन करते हैं. स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, इट इज द सीरीज ऑफ कमांड्स. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट स्क्रिप्ट्स क्रिएट होते हैं. ठीक है, और स्क्रिप्ट्स कहाँ जाते हैं, सॉफ्टवेयर के पास जाते हैं, सॉफ्टवेयर के पास मतलब कमांड्स जाते हैं, और वो कमांड्स इंटरप्रेट होते हैं. इंटरप्रेट मीन्स उनको उनका मीनिंग निकल के आता है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट. ओके, और अकॉर्डिंगली क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेटा को चेंज करता है. फाइन, समझ में आया? तो डायनेमिक वेब पेजेस कौन से वेब पेजेस हैं जो थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, और उसमें डेटा कब डिलीवर किया जाता है, आफ्टर द इंटरप्रिटेशन. ओके, एंड capacity to produce distinctive content for different calls. So according to the need of the viewer, according to the call of the viewer, the data is changed by the software. ठीक है, first the data is interpreted, the command is interpreted, and then the data is delivered. फाइन, तो सिंपली ऐसे समझो, स्टैटिक वेब पेजेस कौन से हैं जिसका डेटा चेंज नहीं होता, और डायनेमिक वेब पेजेस कौन से हैं जिसका यूजर की नीड के अकॉर्डिंग डेटा चेंज हो जाता है. फाइन, ओके, नाउ वी हैव कॉम्प्लेक्सिटी. कॉम्प्लेक्सिटी एज मेंशन इन द अवर पॉइंट, एज डेटा इज स्टेटिक, डेटा इन स्टेटिक वेब पेजेस इज स्टेटिक एंड डू नॉट रिक्वायर एनी इंटरप्रिटेशन बिफोर रेंडरिंग, सो स्टेटिक वेब पेजेस आर सिंपल इन कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, जो स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होती है. इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम किस लिए होती है, क्योंकि ओके, सो स्टैटिक वेब पेजेस की कॉम्प्लेक्सिटी कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होता डेटा का, डायरेक्टली आपके पास डेटा सेंड किया जाता है. ठीक है, देखो, डेटा इन स्टैटिक वेब पेजेस इज स्टैटिक एंड डू नॉट रिक्वायर एनी इंटरप्रिटेशन बिफोर रेंडरिंग. रेंडरिंग मीन्स डिलीवर्ड. सो स्टैटिक वेब पेजेस आर सिंपल इन कॉम्प्लेक्सिटी. तो यहाँ पे स्टैटिक वेब पेजेस क्या है, बहुत ही सिंपल है. ठीक है, डायनेमिक वेब पेजेस ऑन द अदर हैंड डज द इंटरप्रिटेशन प्रोसेस विच मेक्स डेटा डायनेमिक इन नेचर एंड ड्यू टू विच डायनेमिक वेब पेजेस बिकम कॉम्प्लेक्स
इन कॉम्प्लेक्सिटी एज कम्पेयर टू द स्टेटिक वेब पेजेस। डायनेमिक वेब पेज के केस में क्या होता है, पहले फर्स्ट हमारे पास जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है, जो डायनेमिक पेजेस में जो लैंग्वेज होती है, वो सबसे पहले क्या करती है, इंटरप्रिटेशन क्लियर करती है। इंटरप्रिटेशन मीन्स वो पता लगाती है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, ओके, इट इट इंटरप्रेट्स द नीड्स, ओके, इट इंटरप्रेट्स द कॉज ऑफ द यूजर्स, ठीक है। इंटरप्रिटेशन होती है, पहले इंटरप्रिटेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद डेटा चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द कॉल्स, अकॉर्डिंग टू द कमांड्स ऑफ द यूजर, एंड देन दैट इज डिलीवर टू द यूजर। तो यहाँ पे क्या है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है डायनेमिक वेब पेजेस में, ओके। देन वी हैव लैंग्वेज यूज्ड, स्टेटिक वेब पेजेस आर रिटन, आर जनरली रिटन इन द सिंपलर लैंग्वेजेस सच एज HTML, JavaScript, CSS, ओके। तो स्टेटिक वेब पेजेस में जो क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है स्टेटिक वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए, लाइक HTML, JavaScript, आपका कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, CSS, दीज लैंग्वेजेस आर यूज्ड, ओके। ऑन द अदर हैंड, डायनेमिक वेब पेजेस आर रिटन इन मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस, क्योंकि डायनेमिक वेब पेजेस में क्या है, डेटा चेंज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो वहां पे क्या है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है, लाइक योर CGI, AJAX, ASP, ASP.NET एक्सेट्रा, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है जहाँ पे क्या है, आप जो क्या करें, डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद ही डिलीवर करें, फाइन। अब रेंडर डेटा, रेंडर डेटा मीन्स कैसे डेटा डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। फॉर स्टेटिक वेब पेजेस डेटा डू नॉट चेंजेस अंटिल समवन चेंजेस इट मैन्युअली, एनहेंस डेटा इज स्टेटिक इन नेचर। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट डेटा आपके पास आ जाता है, डेटा इज रेंडर्ड डायरेक्टली, रेंडर्ड मीन्स डिलीवर्ड डायरेक्टली, फाइन। ऑन द अदर हैंड, फॉर डायनेमिक वेब पेजेस डेटा इज फर्स्ट इंटर ऑपरेटेड एट सर्वर साइड एंड ड्यू टू विच इट डज नॉट रिमेन सेम ऑन एवरी कॉल, एंड दिस मेक्स डेटा डायनेमिक नेचर। और ये हम पहले कर चुके हैं, डायनेमिक वेब पेजेस में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होती है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसकी इंटरप्रिटेशन होती है कि क्या रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर सबसे पहले इंटरप्रिटेशन करता है जो भी उसके पास रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट द डेटा इज चेंज्ड एंड देन डिलीवर्ड एंड देन रेंडर्ड, ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग डेटा चेंज होता है और उसके बाद क्या होता है, उसको रेंडर किया जाता है, डिलीवर किया जाता है, फाइन, ओके। नाउ वी हैव द टाइम, स्टेटिक वेब पेज ड्यू टू स्टेटिक डेटा टेक लेस टाइम टू गेट लोड, ओके। तो जब आप स्टेटिक वेब पेज को एक्सेस करते हो तो बहुत जल्दी वो लोड हो जाता है, वो ज्यादा टाइम नहीं लेता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, एक पर्टिकुलर डेटा है जो सिंपली आपके पास क्या होगा, डिस्प्ले होगा, फाइन। वाइल डायनेमिक वेब पेजेस ड्यू टू डायनेमिक डेटा टेक्स कंपेरेटिवली मोर टाइम एज कम्पेयर टू द स्टेटिक वेब पेजेस। अब डायनेमिक डेटा के केस में क्या होता है, जो भी डेटा है वो अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट चेंज होगा, तो वो फर्स्ट इंटरप्रेट होगा, फिर आपके पास आएगा, पहले आपकी रिक्वायरमेंट इंटरप्रेट होगी, फिर वो आपके पास आएगा, तो क्या होगा, ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है, लोड होने में। देन वी हैव द डेटा बेस, इन स्टेटिक वेब पेजेस जनरली नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डेटा बेस फॉर डेटा रीडेकोरेशन, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, स्टेटिक वेब पेजेस में जो डेटा बेस होता है, ठीक है, डेटा बेस जितनी भी वेबसाइट होती है उनका डेटा बेस होता है, सर्वर्स होते हैं उनका डेटा बेस होता है, जहां से क्या होता है, डेटा आता है, फाइन। तो यहाँ पे डेटा बेस है वो डेटा रीडेकोरेशन नहीं करता है, डेटा रीडेकोरेशन मीन्स डेटा को दोबारा से नया नहीं करता है, उसको उसको उसके अपेयरेंस में कोई चेंज नहीं करता है, ठीक है, उसको दोबारा से डेकोरेट नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ डायनेमिक वेब पेजेस डेटा बेस इज यूज फॉर डेटा सॉरी डेटा रीडेकोरेशन, लेकिन डायनेमिक वेब पेजेस के केस में क्या होता है, जो उसका डेटा बेस होता है उसको यूज किया जाता है डेटा को दोबारा चेंज करने में, दोबारा से डेकोरेट करने में अकॉर्डिंग टू द नीड। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।